तो भाई लोग आ गए आप लोग के लिए नवरात्रि पर एक और वीडियो एडिटिंग VFX ट्यूटोरियल, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो। लेकिन भाई लोग वीडियो थोड़ा सा लेट है बट ग्रेट है। तो यार अगर आप भी इस वीडियो को बनाना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बस आप पूरा लास्ट तक देख लो। बीच में आपको कहीं भी स्किप नहीं करना, बस देखते रहो। मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको ये वीडियो कैसे बनाना है। और अगर आपको मेरा वाला काइन मास्टर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पे 9.16 का फ्रेम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड किया है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना जो आपने रिकॉर्ड किया वो आपको सिलेक्ट करना है। तो रिकॉर्ड आपको कैसे करना है आप देख रहे हो। यहाँ पे ज़मीन पे, मतलब आपको जो आपका फ़ोन है वो ऐसा ज़मीन पर रख देना है, मतलब नीचे एकदम ज़मीन पर रख देना है। और यहाँ पे स्काई बहुत ज़्यादा रहना चाहिए आपकी वीडियो में, जैसा कि मेरा वीडियो रिकॉर्डेड है वैसा ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली यहाँ से देख रहे हो, जहाँ से मैं पीछे की साइड जा रहा हूँ, मेरे को यहीं से बैकग्राउंड चेंज करना है। तो इस पोजीशन पे आने के बाद कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद स्प्लिट एट प्ले हेड कर दूँगा, तो ये वीडियो दो पार्ट में कट हो जाएगा। अब ये वीडियो दो पार्ट में कट हो चुका है। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, जो हमने कट करा है, ये दूसरा वाला पार्ट है, इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर कर देना है। तो इसका एक और डुप्लीकेट लेयर निकल के आ जाएगा। अभी हमको सिंपली मेन वाला जो वीडियो है, मतलब ये वाला, इसको डिलीट कर देना है, ये ऊपर वाला लेयर डिलीट कर देना है मेन वाला। उसके बाद हमको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड वीडियो ऐड करना है। तो इस बैकग्राउंड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यार कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी जो हमारा लेयर वाला वीडियो है, इसको हम फुल स्क्रीन पे करेंगे। तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन पे, और इसको सेकंड वाले पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे कर देना है। अब ये फुल स्क्रीन पे हो चुका है। सिंपली हमको क्या करना है, वीडियो को एक बार प्ले करते हैं। तो नॉर्मल वीडियो हमारा भी ऐसा ही है। अब हमको करना क्या है, जो हमारा लेयर वाला वीडियो आपको दिख रहा है ना, ये जो लेयर वाला जो नीचे है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रोमा की का, ये आप देख रहे हो, ये क्रोमा की, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो की कलर रहेगा ना, वो हमको सिलेक्ट करना है वाइट, क्योंकि हमारा जो स्काई है उसका कलर वाइट है। अगर आपका ब्लू रहेगा तो आप ब्लू सिलेक्ट कर लेना, अगर आपका स्काई मेरी तरह वाइट रहेगा तो वाइट सिलेक्ट करके इसको कर देना इनेबल। देख रहे हो, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसको सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये सेटिंग नहीं करोगे तो वीडियो हाइड नहीं हो पाएगी। तो पहला पॉइंट एकदम जीरो पे कर देना। अगर आपका ब्लू नहीं रहेगा, वाइट रहेगा स्काई, जब ये वाला फॉलो करना, मैं जो कर रहा हूँ ब्लू रहेगा, तो उसमें दूसरा सेटिंग लगेगा पॉइंट का। आप ऐसा इधर उधर करके चेक कर लेना, जहाँ पे हाइड हो रहा है वहीं पे आप सेट कर देना है दोनों पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा हाइड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। लेकिन जब हम वीडियो को प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे रोड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा रोड है वो भी हल्का वाइट टाइप में है। तो रोड पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब वो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यही लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है। लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर देना है, मतलब एक और लेयर आ जाएगा, दो लेयर हो गया। अभी ये तो दूसरा वाला लेयर है, सॉरी यार जवान भी सर रही है मेरी, दूसरे वाले लेयर पे जाके स्प्लिट स्क्रीन पे जाके ये इसको ऑफ कर देना है, मतलब आधा कर देना है, ऐसा एकदम नीचे के साइड जहाँ तक रोड है वहाँ तक इस पॉइंट को ला के रखना है और इसको ओके कर देना है। मतलब यहाँ तक ला के रखेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दूसरे वाले वीडियो पे क्लिक करना है, दूसरे वाले लेयर पे। उसके बाद दूसरे लेयर पे क्लिक करने के बाद इसका जो क्रोमा की से हमने की कलर इनेबल किया है उसको हम डिसेबल कर देंगे, ये इसको हम ऑफ कर देंगे। ये ऑफ हो गया तो रोड का जो कलर गायब हो रहा है, मतलब हट रहा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने क्रोमा की लगाई नहीं नीचे के साइड। आप देख रहे हो नीचे के साइड क्रोमा की नहीं है और ऊपर के साइड है। तो ये ट्रिक करके आप नीचे का, अगर आपका मेरी तरह नहीं सही होएगा तो आप उतना कर सकते हो। अभी जो हमारा बैकग्राउंड वीडियो है ये वाला माता जी वाला, इसको हम यहीं तक कट कर देंगे, क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए ये चीज़, यहीं तक, इसके आगे नहीं चाहिए। तो यहीं तक हम इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर लेते हैं। प्लेहेड करने के बाद इस वीडियो को हम सिंपली अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे, क्योंकि इतना हमारा वीडियो कम्प्लीट बन चुका है। वीडियो को और अभी देखते रहो आप, क्योंकि वीडियो में और भी थोड़ा सा काम है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार, अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, जल्दी से कर लो, वीडियो को लाइक भी मार दो। तो अभी हम वही वीडियो फिर से ऐड करेंगे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके, जो वीडियो अभी हमने सेव करा था, या 9.16 वाला रेशियो लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वही वीडियो ऐड करना है जो अभी हमने बनाया था, काइन मास्टर से एडिट करा था। तो ये वीडियो का बैकग्राउंड जहाँ से चेंज हो रहा है ना, सेम
यहाँ से चेंज हो रहा है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट प्लेहेड करके कट कर देंगे। यहीं से यही पॉइंट पे आएंगे, यही पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट प्लेहेड कर देंगे, तो ये वीडियो दो पार्ट में हो जाएगा। अब ये जो बीच में प्लस का निशान दिख रहा है ना, बीच में इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्पीड टर्न का एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे दो नंबर वाला मैं लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो। दो नंबर वाला लगाने के बाद हमको क्या करना है, इसका जो टाइमिंग है वो कम कर देना, 0.5 से 2 पॉइंट ज़्यादा रखना हूँ मैं, तो यहाँ पे इतना कर दिया हूँ। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगे, ये लगाने के बाद वीडियो का थोड़ा कट हो जाता है, मतलब वीडियो का पार्ट, तो उसके लिए आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं लेयर को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए। अब ये जो वीडियो दिख रहा है ना, इसको मैं हल्का स्लाइड करके बढ़ा लूँगा, इतना देखो हल्का बढ़ा लिया हूँ, एक सेकंड बढ़ा लिया हूँ, और इधर से भी ऐसा बढ़ा लूँगा एक सेकंड, ये दोनों इधर इधर से एक सेकंड बढ़ गया, तो वीडियो हमारा कटेगा भी नहीं और यहाँ पे हमारा ये इफेक्ट भी लग जाएगा, जो ट्रांजिशन इफेक्ट है ये भी लग जाएगा। तो अभी वीडियो में हमारा काम हो चुका है, हम इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। सिंपली वीडियो हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। सेव करने से पहले यार आप लोग म्यूजिक लगा लेना, वैसे मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सिंपली लगा सकते हो, लगा लेना म्यूजिक को। मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बना चुका हूँ ये वीडियो पहले से, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी, मैं वीडियो को सेव कर लेता हूँ, लेकिन आप म्यूजिक लगा लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो।